अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जंग में जातिवादी रंग तलाशकर भारतीय जनता पार्टी पर नई तरह का आरोप लगा दिया। अब भारतीय जनता पार्टी इस पर प्रतिक्रिया जरूर दे रही है, लेकिन अखिलेश यादव का यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले से तय रखते हैं कि सपा के किस नेता के खिलाफ बयान देना है, किस नेता के खिलाफ कार्रवाई करनी है। और साथ ही साथ एक बड़ी बात उन्होंने ये कही कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी जातियों को आपस में लड़ाना चाहती है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव को परिवारवादी सोच वाला नेता बताया। कहां तो राजनीतिक बयानबाजी की भाषा पर विवाद हो रहा था, विवाद सोशल मीडिया पर भद्दी टिप्पणियों को सही और गलत बताने वाली दावेदारी को लेकर था, लेकिन अब इस सोशल जंग में नया रंग आ गया है। रंग है जातिवादी कार्ड का। अखिलेश का आरोप है कि भाजपा की तरफ से जो कुछ हुआ उसमें आरोप लगाने और जवाब देने की रणनीति जातिवाद पर आधारित थी। और ये रणनीति है उनकी, ये कोई वो नहीं है, रणनीति है उनकी, क्या किसको आगे करना है, किसकी जात से लाभ उठवाना है, जवाब किस जाति के व्यक्ति से दिलवाना है, तो ये उनका जाति की आधार पे सोच है। आप नहीं समझते इन बातों को, हम लोग समझते हैं इन बातों को, और समझते आप भी हो। भाजपा इन बातों को सिरे से खारिज कर रही है। पार्टी का आरोप है कि सपा को सिर्फ परिवारवाद से मतलब है और उसके नेता इससे आगे की सोच भी नहीं सकते। किस चीज को अच्छे कहते हैं, अपने आप को कह रहे हैं तो अलग बात है, अपने पार्टी के बारे में कह रहे हैं या बसपा के बारे में कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि हाँ वो ख़त्म हो चुकी है। लोगों ने उसके लिए, हम लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं, बसपा और समाजवादी जैसी पार्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, इसलिए कि वो सिर्फ परिवार के लिए काम करती थी, परिवारवाद करती थी, लेकिन जनता के लिए नहीं समर्पित थी। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले में जैसी सक्रियता दिखाई उससे पहले ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई को आगे बढ़ाएगी, लेकिन बाद में अखिलेश यादव के तेवर में नरमी दिखी। पार्टी के भीतर के तमाम नेताओं के साथ मंथन के बाद ये तय हुआ कि पार्टी अपनी सोशल मीडिया टीम बदल देगी। एबीपी गंगा ने पहले ही आपको ये बता दिया था कि इस विवाद को लेकर अब ज्यादा आक्रामक सपा नहीं दिखना चाहती है और अखिलेश यादव सोशल मीडिया की टीम को बदलने वाले हैं, और हुआ भी वही। गलती दोनों सबसे थी, तो हमने अपनी टीम बदल दी। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब मुकाबला नहीं कर पा रही है तो पुलिस को आगे कर रही है, जब उनके पास जवाब खत्म हो जाता है तो पुलिस को आगे कर रहे हैं। सवाल ये है, सवाल भाषा का नहीं है। सभ्य और असभ्य भाषा के विवाद को अब अखिलेश यादव ज्यादा तूल न देकर भाजपा को नए सियासी वार से घेरना चाहते हैं। कि जो रास्ता दिखाया था स्वामी विवेकानंद ने, उस रास्ते पे चल करके ही समाज और देश का भला हो सकता है। नकारात्मक राजनीति खत्म हो, समाज में जो भेदभाव है, कभी जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, उसको दूर कर करके, और साथ ही साथ अंधविश्वास कैसे खत्म हो। एबीपी गंगा से बातचीत में तमाम दलों की महिला विधायकों ने कहा था कि राजनीतिक टिप्पणी का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए कि भाषा असभ्य हो जाए और भद्दी टिप्पणियां रोज की बात हो जाएं। सभी ने दो टूक कहा था कि इसकी एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की महिला नेता और प्रवक्ता जूही सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि न्याय और शालीनता का मापदंड एक समान होता है। अभद्र असभ्य टिप्पणी राजनीतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत जीवन में निषेध होनी चाहिए, और जहां भी ये हो रही है वो गलत होनी है। परिस्थितियां कभी कभी लोगों को ऐसा करने पर मजबूर कर देती हैं, लेकिन फिर भी गलत है तो गलत है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने सोशल जंग पर नए तेवर जरूर दिखाए, लेकिन भाजपा पर हमले का उनका ताजा अंदाज ये बताने को काफी है कि अब तैयारी नए सिरे से होगी और नए मुद्दों पर किलेबंदी के लिए सपा की नई टीम भी जल्द मोर्चा संभालने वाली है। अखिलेश ने इन्वेस्टर समिट पर भी सरकार को घेरा और पुराने इन्वेस्टर समिट के निवेश का हिसाब मांगा। इस पर भाजपा भड़क गई। ये केवल चुनाव की तैयारी है, जनता को धोखा दे रहे हैं, और जब लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं तो ये बताएं कि इतने इन्वेस्टमेंट के आने से कितना रोजगार सृजन होगा। आखिरकार रोजगार सृजन कितना होने जा रहा है।
और पहले जो घोषणा पत्र में लिखा था करोड़ों रोजगार नौकरी, उसका क्या हुआ? उनके जमाने में तो लोग उत्तर प्रदेश में डर के मारे आना नहीं चाहते थे कि किसी न किसी प्रकार से उसका शोषण होगा, लेकिन योगी जी की सरकार में प्रदेश की छवि बदली है। निवेश करने के लिए एक उपयुक्त माहौल है और ये बात इन्वेस्टर के समझ में, उसके दिलो दिमाग में बस गई है। साफ है कि सियासत का ये नया अध्याय मुद्दों की नई धुरी पर लड़ा जाने वाला है और फिर से अखिलेश की कोशिश लड़ाई को ओबीसी राजनीति की धुरी से लेकर योगी सरकार के फैसलों के इर्द गिर्द बनाए रखने की है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।